लोकसभा चुनाव के बाद अब की बार महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव में एक बार फिर पवार वर्सेस पवार की लड़ाई है। सवाल है कि बाजी कौन मारेगा? क्या डिप्टी सीएम अजित पवार बारामती से चाचा शरद पवार के बिछाए गए शतरंज में फंस जाएंगे? शरद पवार ने इस बार अजित पवार के सामने एक नया चेहरा दिया है। कौन है वो चेहरा जिसे आगे कर सीनियर पवार अपने भतीजे अजित पवार से पूरा बदला लेना चाहते हैं? क्या होगा पवार बनाम पवार की जंग का नतीजा, इस रिपोर्ट से समझते हैं। बारामती की बैलेट में चाचा वर्सेस भतीजा, अजीत पवार के सामने भतीजे युगेंद्र का चैलेंज, बारामती में फिर पवार वर्सेस पवार। बारामती विधानसभा सीट का जब भी नाम लिया जाता है तो एक चेहरा सामने आता है, वो है शरद पवार का। यहाँ उनके परिवार के दबदबे का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 1967 से अब तक इस परिवार को कोई नहीं हरा पाया है। बारामती विधानसभा सीट पर 1967 में पहली बार शरद पवार ने जीत हासिल की थी। 1990 तक उन्होंने 6 चुनाव लड़े और हर चुनाव में बड़े अंतर से जीत हासिल की। इसके बाद ये सीट शरद पवार ने अपने भतीजे अजीत पवार के लिए खाली कर दी। अजीत पवार ने 1991 में पहला चुनाव बारामती से लड़ा और अब तक 7 बार चुनाव लड़ चुके हैं। हर बार यहाँ उन्होंने बड़े अंतर से विरोधियों को चित किया है। इस बार वो 8वीं बार बारामती से मैदान में है, लेकिन 1967 से 2019 तक बारामती में एक तरफ पवार खानदान था तो दूसरी तरफ विरोधी थे। लेकिन इस बार की जंग अलग है। इस बार लड़ाई पवार वर्सेस पवार है। शरद पवार ने अजीत पवार को सबक सिखाने के लिए उनके सामने युगेंद्र पवार को उतारा है, जो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। अगर हार गए तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर चाचा अजीत पवार को हरा दिया तो ये महाराष्ट्र के चुनाव में सबसे बड़ा उलटफेर होगा। अजीत पवार के चाचा शरद पवार हैं, युगेंद्र पवार के चाचा अजीत पवार हैं। युगेंद्र पवार अजीत पवार के भाई श्रीनिवास के बेटे हैं। बारामती की जंग 3 पीढ़ियों की जंग है। शरद पवार ने अजीत पवार को राजनीति में आगे बढ़ाया, लेकिन अजीत पवार ने पार्टी तोड़ दी और डिप्टी सीएम बन गए। चाचा शरद पवार अब उसी का बदला लेना चाहते हैं। लोकसभा में शरद पवार अपने भतीजे अजीत पवार को सबक सिखा चुके हैं। तब बारामती में मुकाबला शरद पवार की बेटी सुप्रिया और अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा के बीच था। ननद भाभी की जंग में बाजी ननद ने मारी थी। सुप्रिया ने अपनी भाभी सुनेत्रा को 1.5 लाख वोटों से हराया था। अकेले बारामती विधानसभा में उन्हें 48,000 की लीड मिली थी। अगर शरद पवार वही करिश्मा दोहरा पाए तो अजीत पवार को अपने ही किले में हार झेलनी पड़ सकती है। लेकिन लोकसभा और विधानसभा चुनाव में बड़ा अंतर होता है। दूसरी बात, तब सुप्रिया राजनीति की मंझी खिलाड़ी थी। वो पहले लोकसभा चुनाव जीत चुकी थी। सुनेत्रा नौसिखिया थी। अब अजीत पवार अनुभवी हैं और युगेंद्र पवार नौसिखिया हैं। युगेंद्र पवार ने अपनी शिक्षा अमेरिका से ली है। वो शेड्यू ग्रुप ऑफ कंपनीज के निदेशक है, जो ऑटोमोबाइल डीलरशिप, डिफेंस, रियल एस्टेट में काम करती है। वो बारामती तालुका कुश्ती परिषद के अध्यक्ष हैं, जो पहलवानों का स्थानीय संगठन है। लेकिन युगेंद्र सिर्फ चेहरा है। बारामती में असली चुनाव शरद पवार और अजीत पवार के बीच ही है।